सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया गया। इनमें धौलपुर, कोटा समेत कई जिले शामिल हैं। धौलपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर करीब 1879 स्कूलों में सुबह 10:30 बजे करीब 3,53,000 छात्र छात्राओं ने प्रार्थना सभा के बाद सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ सभी शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे। आज समस्त राजस्थान में विकसित भारत 2047 की थीम पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है पूरे सरकारी विद्यालयों में, गैर सरकारी विद्यालयों में, समूचे राजस्थान के विद्यालयों में लगभग 1900 विद्यालय हैं, सभी में ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सकेगा। बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और योग अभ्यास के द्वारा बच्चों में जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, उसका विकास होता है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री महोदय का, शिक्षा मंत्री महोदय का सभी का आभार करता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, सूर्य नमस्कार और कई प्रकार के इसमें व्यायाम भी हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। कोटा जिला में सूर्य नमस्कार समारोह महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि आमजन खासतौर पर विद्यार्थियों को सूर्य के महत्व के संबंध में जागरूक करने, स्वास्थ्य चेतना के उद्देश्य से इस आयोजन में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की गई, जिनमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षकगण, SDMC, SMC के सदस्य, इच्छुक अभिभावक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा अधिकारी चारुमित्रा सोनी ने बताया कि जिले में विद्यालयों, परिसरों, कोचिंग संस्थानों एवं विभिन्न संस्थानों में भी सूर्य नमस्कार पूर्ण रूप से आयोजित किया गया। आज प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं निजी विद्यालयों में हैं और कोटा के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, कोचिंग स्टूडेंट्स जो देश भर से आते हैं वो अपने अपने संस्थानों में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आज यहाँ पर उपस्थित गायत्री परिवार, सारे NGOs, योग संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और जन सामान्य नागरिक और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, वे सभी आज यहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने पूर्ण उत्साह के साथ में सूर्य नमस्कार करके और सूर्य देव को अपना आभार व्यक्त किया। वहीं सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद संभागियों की संख्या संबंधित पोर्टल पर दर्ज की गई। इस दौरान जिले भर में सूर्य नमस्कार का आयोजन शांतिपूर्ण सम्पन्न करने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।